यहाँ पर वोट की अपील की जाएगी। सर बातचीत भी करेंगे, उसको कुछ क्या कहने वाले हैं, और साथ में पूर्व अध्यक्ष किशन बेदी भी मौजूद हैं, तिलकराज अग्रवाल है, मंडल अध्यक्ष है उनका। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए चुनाव प्रचार करने शाहबाद पहुंची उनकी माता सावित्री जिंदल। कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल ने आज शाहबाद हलके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वह शाहबाद में महिलाओं से मिली और महिला शक्ति से नवीन जिंदल के लिए वोट करने की अपील की। सावित्री जिंदल ने कहा कि जैसा प्यार और सम्मान मुझे इन महिलाओं से मिला है, उसके बाद मेरे पास इनकी तारीफ में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। उन्होंने कहा कि सभी ने मुझे आश्वासन दिलाया है कि 25 मई को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वह नवीन जिंदल को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगी। वहीं महिलाओं ने नवीन जिंदल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एक सांसद के नाते नवीन जिंदल ने 10 वर्ष तक कुरुक्षेत्र की सेवा की है और जितना कार्य उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपने सांसद रहते कराया है, उसके देखते हुए भी सभी ने नवीन जिंदल का साथ देने की ठानी है। उन्होंने कहा कि 25 मई को भारी संख्या में महिलाएं नवीन जिंदल के लिए वोट करने पहुंचेंगी। मंजू जी ने, ईशा ने, मेरा और सब महिलाओं ने बहुत अच्छा से स्वागत किया। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ उनको बोल सकूं। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से इनके मन में जो जज्बा है कि वास्तव में लोग कमल के फूल के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर वोट देंगी। तो नवीन जिंदल पहले भी इनके बीच में रह चुका है, तो नवीन इनका भाई है, बेटा है, तो अपने भाई और बेटे को जिताने के लिए ये महिलाएँ, मेरी बहनें कुछ भी करेंगी। मैंने तो इनको बोला है, ये मुझे ईशा जी कह रहे थे, मैं इनके अब ईशा जी नहीं, आप बेटी बना के जा रही हैं, अब तो आप मेरा नाम लीजिए ईशा। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। देखिए, 10 साल तक सांसद रहे नवीन जिंदल जी की माता जी हमारे बीच में हैं आज, और अपने पुत्र को इस तरह के संस्कार दे के, जिस तरह से उन्होंने 10 साल तक हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को अपने सांसद के रूप में बना के रखा, और लोगों के बीच में से भी आपने विचार सुने कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं कि वाक्य में उन्होंने काम किए हैं। लोगों की जुबान पर काम तभी आता है जब लोगों के बीच में काम किया जाता है। मैं खुद एक माता हूँ, मेरा खुद का एक बेटा है, तो आने वाले समय में नेचुरली मुझे माता जी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि मैं भी आने वाले समय में अपने बेटे को इसी रूप में आगे बढ़ाऊँ और उसको भी एक अच्छी परवरिश दूँ कि वो भी एक बड़ा होकर समाज के लिए कुछ कार्य कर सके। इन सब मैं तो ये बोलती हूँ कि ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हैं। ये मेरा दायित्व बन गया आज से कि मैं हर रोज़ डेली बेसिस पे इनके लिए और नवीन जिंदल जी के लिए आने वाले समय में वोटिंग के लिए अपील करूँगी, और भारी बहुमत के साथ मातृशक्ति इसमें हिस्सा लेगी और इनको जीत की दिलवा के। यहाँ पर वोट की अपील की जाएगी। सर बातचीत भी करेंगे, उसको कुछ क्या कहने वाले हैं, और साथ में पूर्व अध्यक्ष किशन बेदी भी मौजूद हैं, तिलकराज अग्रवाल हैं, मंडल अध्यक्ष हैं उनका। भाजपा प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए चुनाव प्रचार करने शाहबाद पहुंची उनकी माता सावित्री जिंदल। कुरुक्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी नवीन जिंदल की माता सावित्री जिंदल ने आज शाहबाद हलके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान वह शाहबाद में महिलाओं से मिली और महिला शक्ति से नवीन जिंदल के लिए वोट करने की अपील की। सावित्री जिंदल ने कहा कि जैसा प्यार और सम्मान मुझे इन महिलाओं से मिला है, उसके बाद मेरे पास इनकी तारीफ में बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। उन्होंने कहा कि सभी ने मुझे आश्वासन दिलाया है कि 25 मई को कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर वह नवीन जिंदल को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगी। वहीं महिलाओं ने नवीन जिंदल के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि एक सांसद के नाते नवीन जिंदल ने 10 वर्ष तक कुरुक्षेत्र की सेवा की है, और जितना कार्य उन्होंने कुरुक्षेत्र में अपने सांसद रहते कराया है, उसके देखते हुए भी सभी ने नवीन जिंदल का साथ देने की ठानी है। उन्होंने कहा कि 25 मई को भारी संख्या में महिलाएं नवीन जिंदल के लिए वोट करने पहुंचेंगी।
मंजू जी ने, ईशा ने, मेरा और सब महिलाओं ने बहुत अच्छा से स्वागत किया। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कुछ उनको बोल सकूं। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से इनके मन में जो जज्बा है कि वास्तव में लोग कमल के फूल के निशान के सामने वाले बटन को दबाकर वोट देंगी। तो नवीन जिंदल पहले भी इनके बीच में रह चुका है, तो नवीन इनका भाई है, बेटा है, तो अपने भाई और बेटे को जिताने के लिए ये महिलाएँ, मेरी बहनें कुछ भी करेंगी। मैंने तो इनको बोला है, ये मुझे ईशा जी कह रहे थे, मैंने कहा अब ईशा जी नहीं, आप बेटी बना के जा रही हैं, अब तो आप मेरा नाम लीजिए ईशा। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। देखिए, 10 साल तक सांसद रहे नवीन जिंदल जी की माता जी हमारे बीच में हैं आज, और अपने पुत्र को इस तरह के संस्कार दे के जिस तरह से उन्होंने 10 साल तक हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट को अपने सांसद के रूप में बना के रखा, और लोगों के बीच में से भी आपने विचार सुने कि लोग किस तरह से बोल रहे हैं कि वाकई में उन्होंने काम किए हैं। लोगों की जुबान पर काम तभी आता है जब लोगों के बीच में काम किया जाता है। मैं खुद एक माता हूँ, मेरा खुद का एक बेटा है, तो आने वाले समय में नेचुरली मुझे माता जी से बहुत कुछ सीखने को मिले, ताकि मैं भी आने वाले समय में अपने बेटे को इसी रूप में आगे बढ़ाऊं और उसको भी एक अच्छी परवरिश दूं कि वो भी एक बड़ा होकर समाज के लिए कुछ कार्य कर सके। इन सब मैं तो ये बोलती हूँ कि ये ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकती हैं, ये मेरा दायित्व बन गया आज से कि मैं हर रोज़ डेली बेसिस पे इनके लिए और नवीन जिंदल जी के लिए आने वाले समय में वोटिंग के लिए अपील करूँगी, और भारी बहुमत के साथ मातृशक्ति इसमें हिस्सा लेगी और इनको जीत की दिलवा के।